सो हेलो एवरीवन, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान जब ये सवाल आता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए, इस सवाल का जवाब कैसे देना है। पहले आप सीखना चाहते हैं इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर इस चैनल पे हम लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी पावरफुल वीडियो आप मिस ना करें। अब शुरू करते हैं। सवाल है कि हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए। अब जरा सोचिए, जब इंटरव्यू ये सवाल पूछ रहा है तो वो क्या सुनना चाहता है। आपको सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देना, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है कि जब भी कोई इंसान कोई सवाल पूछ रहा है तो उसके कारण क्या है। देखिए, ये सवाल आपको दो बार पूछा जा सकता है। एक तो इंटरव्यू के बीच में, मिड में इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू के दिमाग में कोई और सवाल नहीं आ रहा तो उसने आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ हमें आपको क्यों हायर करना है। दूसरा, इंटरव्यूअर ने डिसीजन बना लिया है दिमाग में, अब एंड में बस वो अपने डिसीजन को वेरीफाई करने के लिए कि आपको सेलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना, उससे पहले आपसे पूछ रहा है कि हमें आपको क्यों हायर करना चाहिए। अब या तो आप बिल्कुल कॉमन आंसर दे सकते हो जैसे ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ देते हैं। क्या आंसर देते हैं कि सर मैं हार्डवर्किंग हूँ, मैं सिंसेयर हूँ, मैं पंचुअल हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है सर, इसलिए आपको मेरे को हायर करना चाहिए। वेल, आप सिंसेयर हो, आप डिसिप्लिन हो, आप हार्डवर्किंग हो, जितने लोग बाहर बैठे हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं, तो आप अलग कैसे हुए? आपको प्रूफ करना है कि आप अलग हो, तो आप अलग कैसे प्रूफ करोगे? अब इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमें कुछ ऐसा आंसर देना है जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाए और हम स्टैंड आउट हो जाए, हमें हायर करे, तो हमें क्या बोलना है? आपको ये बात बड़े ध्यान से वर्ड टू वर्ड नोट करनी है अपने दिमाग में। सर आई वॉन्ट दिस जॉब नॉट बिकॉज आई वॉन्ट दिस जॉब, मुझे ये जॉब चाहिए इसलिए नहीं कि मुझे ये जॉब चाहिए, बट इसलिए क्योंकि मुझे काम पसंद है। बड़े ध्यान से नोट कीजिए मैंने क्या बोला, आई लव दिस वर्क। आपने बोलना है कि मुझे सर जॉब इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे नीड है जॉब की, मुझे जॉब इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैं डेस्परेट हूं जॉब के लिए, सर मैं जॉब इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मुझे काम पसंद है। ये सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक इंसान आके बोलता है सर मेरे घर में ना बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे ये जॉब चाहिए। अरे इंटरव्यूअर को क्या फर्क पड़ता है तेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसे फर्क पड़ता है कि तुम काम कैसा करोगे। अब एक बात बताओ, एक इंसान के घर में बहुत प्रॉब्लम है वो अच्छा काम करेगा, एक इंसान का पैशन है वो क्रिएटिविटी लेकर आ सकता है, वो टाइम नहीं देखेगा, वो अपनी परेशानियां नहीं देखेगा, वो काम को देखेगा, उसे काम पसंद है, तो कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा? ऑब्वियसली वो इंसान जिसे वो काम पसंद है, जो उस काम को प्यार करता है। तो आप किसी भी प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो सर मुझे जॉब इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जॉब की जरूरत है, मुझे जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अकाउंटेंसी बहुत पसंद है, मुझे मजा आता है सर जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है ये सर। तो अब इसे इस तरीके से बोलना, क्योंकि बाहर जो बच्चे बैठे हैं वो तो पैशन के बारे में बात नहीं कर रहे, वो तो ये बोल ही नहीं रहे कि मुझे इस काम को मुझे पसंद है, मैं प्यार करता हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ इस काम से, वो तो ऐसा नहीं बोल रहे, तो आप ऑब्वियसली स्टैंड आउट हो जाते हो। बट यस, आपको वो काम जेन्युइनली पसंद भी होना चाहिए, तभी दिल से आवाज़ निकलेगी, वरना फेक लगेगा, तो फेक नहीं लगना चाहिए। अब अगर आपको वो जेन्युइनली काम पसंद है तभी आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब दूसरी चीज़ क्या बोलनी है यहाँ पर, अब स्टेप बाय स्टेप हम इसे फ्रेम करेंगे आंसर को। पहले हमने बोला सर मैं इस जॉब के लिए इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मुझे जॉब चाहिए, मैं इस जॉब के लिए इसलिए अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे काम पसंद है, मैं इस काम से प्यार करता हूं। दूसरा स्टेप, स्टेप टू पर आ जाते हैं, सर जब मैं इस काम को करता हूं, जो भी काम है सर, मैं टाइम को नहीं देखता। ये किसी भी इंप्लॉय के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि सिर्फ 9 to 5 या 9 to 6 वाला बच्चा है, या फिर जब इसे एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करेगा, चाहे ज्यादा भी टाइम देना पड़ जाए। तो दूसरे स्टेप में आपने बोला सर जब मैं इस काम को करता हूं क्योंकि मैं इस काम को पसंद करता हूं, मैं टाइम नहीं देखता, मैं देखता हूं कि काम जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा तब तक मुझे लगे रहना है। वेल, लोग ऐसा नहीं बोल रहे, लोग तो पहले पूछ लेते हैं सर कितने घंटे की जॉब होगी, 8 घंटे की या 9 घंटे की, आपके लिए ये मैटर नहीं करता क्योंकि जो कंपनी का स्टैंडर्ड होगा वो आपको भी मिलेगा, बट मैटर ये करता है कि आपको जॉब मिले, आप सिलेक्ट हो जाओ, तो उसके लिए कुछ अलग बोलना पड़ेगा एंड वो आप सीख रहे हो। तो पहले स्टेप पे आपने बोला कि मुझे काम पसंद है इसलिए मैं जॉब चाहता हूं, दूसरे स्टेप पे आपने बोला कि जब मैं काम करता हूं मैं टाइम को नहीं देखता, अब तीसरे स्टेप में आपने कुछ ऐसा बोलना है कि इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाए। अब आपने क्या बोलना है, सर मैं बिल्कुल ये मानता हूं
आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे से कम सैलरी पर भी काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जिनके पास सर हो सकता है मेरे से अच्छी क्वालिफिकेशन हो, बट सर मुझे नहीं पता कि वो लोग इस काम को कितना पसंद करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है इस काम को जितना मैं लगाव करता हूँ, जितनी मैं मोहब्बत करता हूँ उस काम से, इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं इस काम को पसंद करता हूँ सर, मैं चाहता हूँ आप मुझे ये जॉब दीजिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मुझे पोजिशन दीजिए, सो दैट मैं अपनी स्किल से आपको सर्व कर पाऊँ। अब आपने क्या बोला तीसरे स्टेप में कि सर आपको लोग मिल जाएंगे जो मेरे से कम सैलरी मांगेंगे, आपको लोग मिल जाएंगे जिनकी क्वालिफिकेशन भी मेरे से ज़्यादा होगी, बट आपको ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिलेगा जिसे ये काम इतना ज़्यादा पसंद हो जितना मुझे पसंद है। एंड क्योंकि ये काम मेरा पैशन है, आप मुझे हायर कीजिए। अरे आप हायर कीजिए तो सही, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो सही, एंड फिर आप देखो कि मैं अपने स्किल से, अपने पैशन से आपको क्या आउटपुट देता हूँ। अब ये आंसर को जब आप एक बार फ्रेम करके बोलोगे, एक साथ बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि कैसा लग रहा है। अब आपने पूछा Why should we hire you? या आपने मुझसे पूछा Why should we hire you? तो मैं कुछ इस तरीके से बोलूँगा, सर मुझे ये जॉब इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत है, या मैं डेस्परेट हूँ हो सकता और लोगों की तरह, मुझे ये जॉब इसलिए चाहिए क्योंकि सर मैं इस काम को पसंद करता हूँ, सर मेरा पैशन है। जब मैं इस काम को करता हूँ ना, मैं टाइम को नहीं देखता, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, बस मुझे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है जब मैं एक बार प्रोजेक्ट हाथ में ले लेता हूँ। सर हो सकता है आपको ऐसे एम्प्लॉयज मिले जिनको मुझसे कम सैलरी चाहिए हो, जिनके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन हो, बट सर आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसे इस काम से इतना लगाव है जितना मुझे। एंड क्योंकि सर मैं इस काम से मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मुझे पोजीशन दीजिए कि मैं अपनी स्किल से आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दिखा सकूं। अब देखिए इस तरीके का आंसर लोग नहीं देते। आप वर्ड टू वर्ड इसे बोल सकते हो, आप इसे एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद इंटरव्यू में जाके इसे बोलने की कोशिश करो, और एक बार आपने बोल दिया आपका काम बन जाएगा। एंड आपका अगर काम बनता है, आपको जॉब मिल जाती है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, अगेन नीचे कमेंट करके बताइए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, दिल से अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट हम पूरी कम्युनिटी को हेल्प कर पाएं। देखिए आपको हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, सो दैट आपकी हेल्प हो एंड कम्युनिटी की हेल्प हो। आप कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं अपने शेयर के साथ। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है, कैसे एक भी वीडियो मिस ना करें आप। फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को मेकओवर करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप हमारा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 महीने की ऐसी ट्रेनिंग है जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन कर रहा हूँ। अगेन मैं ह्यूमन साइकोलॉजी लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाता हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है आपकी साइकोलॉजी पे, देन योर एटीट्यूड, एंड फाइनली आपको वो टेक्निक सिखानी है जिससे आप लोगों से हटकर देखो, आप स्टैंड आउट करो, एंड वो सब आपको सीखने को मिलेगा इस ट्रेनिंग कोर्स में। इस कोर्स की डिटेल्स के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस कोर्स की जानकारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के माध्यम में भी है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली यू कॉल दिस नंबर, हमारे काउंसलर से बात कीजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अभी के अभी, एंड आई विल सी यू इन दिस ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।